बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मिर्ज़ा वकास बेग एंड आई एम फ्रॉम cmax.pk। आज आपके पास अगेन एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी को लेकर आए हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। प्लीज मेरे साथ आइएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम इस अपार्टमेंट के टीवी लाउंज के अंदर है, तो आपको एक आइडिया भी हो रहा होगा कि इसमें हमने इस वक्त जो सोफा सेट रखा हुआ उसके बाद भी है इनफ स्पेस कि हम इसके अंदर और भी कुछ कस्टमाइज करके स्पेस को यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा इस टीवी लाउंज के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जहां पर आप जो भी स्मार्ट डिवाइसेस लगा रहे होंगे इस अपार्टमेंट के अंदर वो बड़ा इजीली इंस्टॉल हो सकती है क्योंकि इसके अंदर पूरी कैट 6 की नेटवर्किंग की गई है। अब इस टीवी लाउंज का जो बहुत बेस्ट पार्ट है या इस अपार्टमेंट का कहेंगे बहुत ही बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसका व्यू आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये इस अपार्टमेंट के टीवी लाउंज से हम देख रहे हैं व्यू। हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर डॉक्टर दाऊद पोता रोड है, हमारी राइट साइड के ऊपर राजा गजनफर अली रोड है जो कि हार्डली 2-3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है शारे फैसल से। प्लीज आइएगा। इसमें आप ये भी देखें, आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो क्वालिटी मटीरियल है बिल्डर ने बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और बहुत अच्छी क्वालिटी का मटीरियल यूज किया गया है। अब मैं आपको इस अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलूंगा। आप देख रहे होंगे कि मास्टर बेडरूम के अंदर हमने इस वक्त जो किंग साइज का फर्नीचर रखा है उसके बाद भी हमारे पास एक अच्छा डिसेंट साइज का स्पेस अवेलेबल है जिसमें हम और अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं। ड्रेसर ऑल्दो हमने इसके अंदर ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है। अब मैं आपको इसके वॉशरूम की तरफ लेके चलूंगा। प्लीज आइएगा। आप देख सकते हैं कि वॉशरूम के अंदर भी हमने सारी ब्रांडेड फिटिंग्स यूज की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे हमारे पास सैनिटरी है उसमें रोका को यूज किया हुआ है, हमारे पास ये ग्रेनाइट टॉप है जो इसमें यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि शावर स्टैंड के अंदर भी जो रोका है हमने उसको ही यूज किया हुआ है। टाइल्स एक अच्छी हाइट पे लगे हुए हैं। वॉशरूम के अंदर जो आप ये फॉल सीलिंग देख रहे हैं बेसिकली इसको लगाने का पर्पज ये है कि हमारी जितनी भी ड्रेनेज लाइन है वो सारी ऊपर होती हुई जा रही है। और एक चीज आपको और बताता चलूं कि इस वॉशरूम के अंदर बिल्डिंग क्लोजेट स्पेस है और आप देख सकते हैं अच्छी साइज का स्पेस है जिसके अंदर आप अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इस अपार्टमेंट का एक और अच्छा फीचर बताते चलूँ तो वो ये कि जब मास्टर बेडरूम और उसके साथ एक अच्छी बैल्कनी नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता। तो मैं चाहूंगा आपको कि इस बैल्कनी का विजिट कराऊं और आप इस बैल्कनी के अंदर देखें कि कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छे डिसेंट साइज का हमें जो इस बैल्कनी के अंदर स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक आपको बेस्ट फीचर में से एक फीचर ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें एवरी अपार्टमेंट इज अ कॉर्नर अपार्टमेंट। इतना डिस्टेंस छोड़ा गया है कि आप जब खड़े हो तो आपको किसी भी किस्म का सफोकेशन या कंजेस्टेड या कंपाउंड टाइप की फीलिंग ना आ रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अलग व्यू है, हमने फर्स्ट बैल्कनी से ऑलरेडी देखा था, अब हम इस वक्त मास्टर बेडरूम की बैल्कनी से डिफरेंट व्यू देख रहे हैं। प्लीज आइएगा मेरे साथ। ये आपने देखा अभी मास्टर बेडरूम, अब हम देख रहे हैं बच्चों के चिल्ड्रेन रूम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा चिल्ड्रेन रूम के अंदर जो हमने फर्नीचर रखा हुआ है वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखा हुआ है। ऑल्दो के ये एक रूम साइज बड़ा डिसेंट है, इसके अंदर भी आप किंग साइज का एक फर्नीचर बड़ा इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने प्लास्टिक पेंट्स को यूज किया है, इसके अंदर जो हम सॉकेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑरेंज ब्रांड के सॉकेट्स हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी यहाँ पे नेटवर्किंग हुई है वो सारी कैट 6 की है, तो जितनी भी डिवाइसेस स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो पोर्टेबल है और प्लग एंड प्ले के ऑप्शन थे। और लास्ट में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी है, जो डेवलपर ने सेफ्टी को प्रिकॉशन रखते हुए बनाई है, वो आप ये देखेंगे जितने भी सॉकेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं इनके एक बेस्ट फीचर में से इनकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब बच्चे आपकी गैर मौजूदगी के अंदर कोई डिटेल या इस तरह का स्टफ इन सॉकेट्स के अंदर अगर डालते हैं तो सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि आपका जो ब्रेकर है वो ऑटो ट्रिप हो जाता है। अब मैं आपको सेकंड वॉशरूम की तरफ लेके चलूंगा। आप देखेंगे सेम इसके अंदर भी हमने उसी हिसाब से सारी वही सारी चीजें यूज की हुई है। इसमें भी हमारे पास बिल्ट इन क्लोजेट है जो आप देखेंगे थोड़ा सा हमने इसमें डिजाइन चेंज की है, और ऑल्दो के जो हमारी फिटिंग लगी हुई है वो सारी की सारी ब्रांडेड ही है। और इसके अंदर भी एक हमने अच्छे साइज की आपको विंडो दी है जिससे आपको डे लाइट मिल रही होगी, आपको एक अच्छा व्यू मिल रहा होगा, प्लस इसके अंदर फ्रेश एयर भी आपको साथ साथ मिल रही होगी। अब अगेन मैं आपको अपार्टमेंट के उस एरिया के अंदर लेके जा रहा हूँ जो खवातीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली वो एक किचन है। आप देख सकते हैं इस किचन के अंदर एंटी स्किड टाइल यूज किए गए,
जो स्लिपरी नहीं होते हैं, बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमने अप्लायंसेज लगाई थी, ये सारी ब्रांडेड अप्लायंसेज हैं। आपको अगर मैं स्टोरेज दिखाना चाहूँ, यार आप देखेंगे ये वॉशर, आप यहाँ पे बड़े इजीली अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें यूज़ की गई है वो सारी ब्रांडेड है, बड़ा इजीली इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये जो स्पेस अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस अपार्टमेंट का वॉशिंग एरिया है। जब हम वॉशिंग एरिया में आ जाते हैं तो आप देखेंगे पहले ये हमें एक डोर मिलता है नेट का, उसके बाद फिर हम वॉशिंग एरिया में आ जाते हैं। और वॉशिंग एरिया के अंदर भी एक फीचर मैं आपको बताता चलूँ, ये आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी का मटीरियल यूज़ हुआ है और ये डक है जो ऑल द वे ऊपर तक ओपन है। अभी क्योंकि सर्दियों के अंदर अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट शायद कैमरे में आपको थोड़ा सा व्यू मिल रहा हो। तो ये फ्रेश एयर इससे भी और डे लाइट आपको इस अपार्टमेंट के अंदर भी मिल रही होगी। अब मैं आपको इसके लास्ट और थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलूंगा और साथ आपको फिर ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस भी दिखाऊंगा, तो प्लीज आइएगा मेरे साथ। ये इस अपार्टमेंट का तीसरा बेडरूम है और आप इसमें भी देख सकते हैं कि एक अच्छे साइज का हमने इसके अंदर बेडरूम सेट रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक अच्छा ड्रेसर के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, बट उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डिसेंट साइज इसमें हमें मिल रहा है। इस बेडरूम का थर्ड बेडरूम के साथ में आपको वॉशरूम दिखाना चाहूंगा। वॉशरूम में देखेंगे ये वैनिटी बॉक्स हमने पूरा इंस्टॉल किया हुआ है। ये वैनिटी बॉक्स के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है ये सारा एक्रेलिक मटेरियल है जो कि पानी लगने से खराब नहीं हो रहा होता है। आप देख सकते हैं जो टाइलिंग वगैरह इसमें यूज की गई है, टाइल्स की हाइट आप देख सकते हैं। अगेन शावर स्टैंड जो आप देख रहे हैं एडजस्टेबल। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहूँ कि अमूमन खवातीन जब वॉशरूम वगैरह को साफ करवाते हैं तो उसके अंदर हम ज्यादातर एसेट्स का यूज करते हैं, तो डेवलपर ने इस चीज को भी बहुत मेक श्योर किया है कि इसके नीचे जितनी भी है वो मटेरियल यूज किया गया है वो सारे केमिकल लगा के यूज किया गया है, ताकि बाद में आपको टाइल्स वगैरह को जब आप साफ करो तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना है। अगेन इस बेडरूम की भी अगर बात करूँ तो इस बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे साइज की विंडो प्रोवाइड की गई है आपको विद हाई क्वालिटी मटीरियल जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। अब मैं आपको इस अपार्टमेंट के ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की तरफ लेके चलूंगा और उससे एक अलग व्यू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एवरी अपार्टमेंट इज ए कॉर्नर अपार्टमेंट, तो हर अपार्टमेंट के रूम से आपको एक डिफरेंट व्यू मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पर ड्राइंग रूम, इसके अंदर हमने डाइनिंग और ड्राइंग रूम को एक साथ मिला के दिया, बट आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या जो फर्नीचर इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है वो एक अच्छे अपार्टमेंट के अंदर डिसेंट साइज के हिसाब से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर जो चेयर है इस वक्त 6 फीट का डाइनिंग टेबल है जो कि बहुत अच्छा और बड़ा इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो गया। फिर लास्ट जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इसके अंदर भी देखेंगे जब आपके गेस्ट आए या कभी आप बैठे यहाँ पर और आप देखें तो आपको हर रूम से, हर अपार्टमेंट की हर विंडो से एक डिफरेंट व्यू मिल रहा होगा। तो ये हमारा एक 3 बेडरूम विद अटैच बार, ड्रॉइंग डाइनिंग, किचन और टीवी लाउंज का एक और कैटेगरी थी जो मैंने आज आपको दिखाई, जो कि इन्वेस्टर्स और एंड यूजर दोनों के लिए ही बहुत बेहतरीन है। जो जो चीज़ें आपने इसके अंदर देखी लगी हुई वो सारी अच्छी क्वालिटी की हैं, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है चीज़ें। आपने वंस एक दफ़ा बाय कर ली तो आपको बार बार इसके अंदर खर्चा नहीं करना पड़ रहा होगा। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे एंड यूजर अपार्टमेंट के होते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू।